दिल्ली में लड़की से दरिंदगी पर गृह मंत्री अमित शाह ने लिया संज्ञान, स्पेशल सीपी की अगुवाई में जांच के आदेश दिए। कंजावला मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस ने की पुष्टि, 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटी गई लड़की, मामले की हर एंगल से हो रही है जांच। कंजावला केस में आरोपियों का पुलिस के सामने कबूलनामा, एफआईआर के मुताबिक नशे में थे आरोपी, दोस्त की गाड़ी लेकर घूम रहे थे। दिल्ली के कंजावला मामले में 3 दिन के रिमांड पर पांचों आरोपी, डॉक्टर्स की टीम ने किया पोस्टमार्टम, रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली के कंजावला केस में परिवार ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की, पुलिस की कार्रवाई से परिवार असंतुष्ट। दिल्ली में लड़की से दरिंदगी मामले में सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल से की बात, केजरीवाल ने आरोपियों को सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में दरिंदगी के खिलाफ लोगों में आक्रोश, सुल्तानपुरी थाने के सामने प्रदर्शन, एलजी ऑफिस के सामने आम आदमी पार्टी का। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। राजौरी में पहले गोलीबारी, अब आईईडी ब्लास्ट, 2 दिनों में 6 लोगों की मौत, पीड़ित परिवार से मिले उपराज्यपाल, कहा मिलेगा इंसाफ। राजौरी की घटना पर देश के कई इलाकों में प्रदर्शन, जम्मू में स्टूडेंट्स ने कैंडल मार्च निकाला। नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बताया सही, सभी याचिकाएं खारिज, लेकिन कांग्रेस ने उठाए सवाल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने देशहित में लिया था फैसला। तुनिशा आत्महत्या मामले में शीजान के परिवार का बयान, धर्म बदलने के दबाव के आरोप बेबुनियाद, तुनिशा की मां पर भी सवाल उठाए। शीजान की जमानत पर 7 जनवरी को सुनवाई, शीजान की मां का बड़ा बयान, कहा झूठ बोल रहा है तुनिशा का परिवार, सभी को थी ब्रेकअप की जानकारी। तुनिशा आत्महत्या मामले में बीजेपी नेता राम कदम का बयान, राम कदम ने तुनिशा की मौत को लव जिहाद करार दिया। कर्नाटक में ज्ञान योगाश्रम के संत सिद्धेश्वर स्वामी का 81 साल की उम्र में निधन, पीएम मोदी ने निधन पर जताया दुख। चंडीगढ़ में पंजाब सीएम हाउस के पास बम मिलने से हड़कंप, पार्क से बम बरामद, पुलिस ने सील किया इलाका। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, कोरोना टेस्टिंग और स्क्रीनिंग का जायजा लिया। कोरोना को लेकर सरकार ने बढ़ाई सतर्कता, वायरस से प्रभावित देशों से आने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड का कहर, यूपी के कई शहरों में घना कोहरा। राजस्थान मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर जारी किया अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। मध्य प्रदेश के रीवा में शीतलहर की वजह से स्कूलों के वक्त में बदलाव, सुबह 10:30 बजे से खुलेंगे 5वीं कक्षा तक के स्कूल। बिहार के पटना में बढ़ती ठंड के चलते स्कूलों को किया गया बंद, 10वीं कक्षा तक के स्कूल को किया गया बंद। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर का करेंगी दौरा, सुरक्षा के किए गए विशेष इंतजाम। बिहार के वैशाली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रैली, जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी में सीएम हाउस में योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक, निकाय चुनाव सहित कई बातों पर हुई चर्चा। मुंबई के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, डीए और कोविड के भुगतान के साथ कई मांगों पर हड़ताल, अस्पतालों की व्यवस्था पर असर पड़ा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में चर्च में तोड़फोड़, पुलिस पर बदमाशों ने किया हमला, हमले में एसपी हुए घायल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, सिर मुंडवाकर किया प्रदर्शन। आरएसएस के माधव गोवलकर का संभाजी महाराज को लेकर विवादित बयान, एनसीपी ने ट्वीट कर जताया विरोध। भोपाल में कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ ने बंदूक के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया, बीजेपी ने जारी किया विधायक का फोटो, वायरल हो रहा है फोटो। झारखंड के देवघर में हेमंत सोरेन की सरकार पर बीजेपी का हमला, बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने हेमंत सरकार को लूट करने वाली सरकार कहा। बिहार में शराब के खिलाफ एक्शन जारी, बेगूसराय पुलिस ने 1,000 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। यूपी के अलीगढ़ में नौकरी के नाम पर 5 राज्यों में 50,000 लोगों से ठगी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 500 से ज्यादा मोबाइल और 100 बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहा था। गाजीपुर में ग्रामीणों की सतर्कता से टला ट्रेन हादसा, ग्रामीणों ने टूटी हुई पटरी की जानकारी दी, समय रहते रोकी गई ट्रेन। हरियाणा के सिरसा जिले में पेड़ से टकराई कार, हादसे में 5 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 महीने की बच्ची भी शामिल। छत्तीसगढ़ के कोरबा में नशे में धुत युवती ने अस्पताल में किया हंगामा, भर्ती होने के बाद ड्रिप लगवाने पर भड़की थी युवती।
आगरा में एक रेस्टोरेंट के मैनेजर की गुंडागर्दी, बंधक बनाकर ग्राहक से की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आजमगढ़ जिले में पीएनजी गैस पाइप में लगी आग, 2 घंटे बाद पाया गया काबू, 15 लाख का नुकसान। यूपी के हरदोई में जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गए बीजेपी बूथ अध्यक्ष की पिटाई, बंधक बनाकर दबंगों ने पीटा। हरदोई में गैंगस्टर और उसके गुर्गों की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क, आरोपियों पर हत्या, गैंगरेप और अपहरण के संगीन मामले दर्ज। मध्य प्रदेश के विदिशा में सड़क पर पलटा ट्रक, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई में अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स जब्त। बिहार के जहानाबाद में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, उत्पाद विभाग ने 10 कारोबारियों समेत 27 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के बेगूसराय में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने शराब से भरा ट्रक जब्त किया, ट्रक चालक से जारी है पूछताछ। पटना में अवैध शराब के खिलाफ लगातार जारी है कार्रवाई, मद्य निषेध आयुक्त बी कार्तिकेय के मुताबिक दिसंबर में 1 लाख से ज्यादा छापेमारी की गई। बिहार के गोपालगंज में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, यूपी से शराब पार्टी करके लौट रहे 38 लोग गिरफ्तार। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत, 1 जनवरी को हुई थी इस शख्स की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के अलवर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 4 ट्रैक्टर जब्त किए। मध्य प्रदेश के इंदौर में हत्या करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 31 दिसंबर की वो हत्या की थी। बिहार के सासाराम में नगर निगम की डिप्टी मेयर सत्यवती देवी का विजय जुलूस डांस वायरल हुआ, समर्थकों के डांस का वीडियो। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने एक शख्स के अपहरण का प्रयास किया, बदमाशों ने जमकर की फायरिंग, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने जाली नोट के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, मामले की पूछताछ जारी। बिहार के मुंगेर में पार्टी के दौरान मारपीट, बुरी तरह घायल हुआ शख्स, अस्पताल में जारी है इलाज। झारखंड के रांची में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के अलवर में सीआरपीएफ जवान की हार्ट अटैक से मौत, ड्यूटी के दौरान आया हार्ट अटैक। मुंबई गोवा हाईवे पर चलती कार में आग लगी, कार सवार लोगों ने बचाई अपनी जान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर कार से स्टंट करने वालों पर कार्रवाई, पुलिस ने स्टंट करने वालों को पकड़ा। झारखंड के खूंटी में लोगों के सामने अचानक आया हाथी, हाथी को देखकर लोगों में भगदड़, हालांकि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। यूपी के लखनऊ में 60 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार, 5 साल से फरार चल रहा था ठग। यूपी के फतेहपुर में शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन, वेतन और नौकरी की अवधि को बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। यूपी मुजफ्फरनगर में अवैध शराब को लेकर अलर्ट है पुलिस, ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। उत्तराखंड के हरिद्वार में चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के कानपुर में चलती ऑटो में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के मथुरा में यमुना नदी में बनाई गई बांके बिहारी की रंगोली, फूलों से बनाई गई रंगोली। सऊदी अरब में जल्द बुलेट ट्रेन चलाती नजर आएंगी महिलाएं, 32 महिलाओं के पहले मैच की ट्रेनिंग हुई पूरी। चीन में कोविड के बढ़ते मामलों से अस्पतालों पर बढ़ा दबाव, लगातार बढ़ाई जा रही है अस्पतालों की क्षमता। मकीवका में रूसी सैनिकों के एक ठिकाने पर यूक्रेन का अटैक, यूक्रेन ने रूस के 400 सैनिक मारे जाने का किया दावा, रूस ने दावे को झुठलाया, कहा हमले में 63 सैनिकों की हुई मौत। दक्षिण कोरिया ने किया सफल ठोस ईंधन रॉकेट का परीक्षण, रक्षा मंत्रालय ने कहा अंतरिक्ष से निगरानी की क्षमता बढ़ाने की तरफ देश का कदम। फिलीपींस के मनीला में कट गई एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिजली, एयरपोर्ट पर रुकी उड़ानें, हजारों यात्री हुए प्रभावित। फिलीपींस में एयरपोर्ट पर बिजली कटने की वजह से सैकड़ों उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट पर लोगों को आराम करने के लिए भी नहीं मिली कोई जगह। ऑस्ट्रेलिया में 2 हेलीकॉप्टर्स की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में बाढ़ की वजह से खाली कराए गए घर, जगह जगह चलाए जा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन।
सऊदी अरब के जेद्दा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। स्कॉटलैंड में एक होटल में आग लगने से 3 लोगों के साथ एक डॉग की मौत, हादसे की वजह की जांच जारी। कैलिफोर्निया में एक कैदी ने चलती पुलिस की गाड़ी से भागने की कोशिश की, पुलिसकर्मी ने फुर्ती से कैदी को वापस पकड़ा। इसराइल ने 2 फिलिस्तीनी बंदूक धारकों का घर गिराया, दोनों पर सितंबर में इसराइली सैनिकों को मारने का आरोप। मेक्सिको की एक जेल पर हमले में कई लोगों की मौत, 10 गार्ड और 4 कैदी हमले में मारे गए। महान फुटबॉलर पेले को अंतिम विदाई, सांतोस क्लब के स्टेडियम में रखा गया पार्थिव शरीर, श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।